हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सा इजी सा स्वीट डिश, कस्टर्ड फालूदा। एक हेवी बॉटम पैन में मैंने हाफ टी स्पून घी डाला है। अब वो गर्म हो चुका है तो इसमें मैं हाफ कप सेवैयाँ और वर्मिसेली डालकर इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सेवैयाँ बनाने के लिए सेवैयों को घी में भूनते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। सेवैयों को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया है। तो अब मैं ये सेवैयाँ भून चुकी हैं और अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। हाफ कप सेवई के लिए मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है और हमें थोड़ा सा मिल्क हमें बचा लेना है बाद में कस्टर्ड में मिक्स करने के लिए। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें बॉइलिंग पॉइंट तक लाना है। एक बार हमारा मिल्क बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। अभी हमारा मिल्क बॉयल हो चुका है तो अब हम इसमें अपना कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। तो जो मैंने मिल्क थोड़ा सा बचा कर रखा था उसमें मुझे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिलाकर पहले मैं अच्छे से उसको मिक्स कर लूँगी और फिर हम उसको धीरे धीरे बॉयल मिल्क में धीरे धीरे डालेंगे। हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब मैं उसे मिल्क में ऐड करूँगी। अभी मैंने गैस को स्लो कर दिया है और हम धीरे धीरे कस्टर्ड का जो पेस्ट है हमारा उसे हम धीरे धीरे बॉइलिंग मिल्क में डालेंगे और डालते हुए हमें कंटिन्यूसली उसे स्टिर करते रहना है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर मैं उसे थोड़ा फ्लेम हाई करके मिक्स करते हुए कंटिन्यूसली पकाती रहूँगी। इसे मैंने कंटिन्यूसली स्टर करते हुए 5 से 7 मिनट तक मैंने कुक कर लिया है और अब आप देख रहे हैं कि इसमें बॉयल भी आ चुका है और हमारी सेवैयाँ भी अच्छी तरह से कुक हो गई हैं और कस्टर्ड डालने के बाद हमारा कंसिस्टेंसी भी थिक हो गया है। अभी हमारी सेवैयाँ भी अच्छी तरह से कुक हो गई हैं तो अब मैं इसमें 3/4 कप शुगर डाल रही हूँ। आपको जस्ट ध्यान रखना है कि शुगर डालने से पहले आपने ये चेक करना है कि आपकी सेवई अच्छी तरह से कुक हो जानी चाहिए और हमें बिल्कुल इसे बहुत थिक नहीं करना है, इसके फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये थिक हो जाएगा और हम इसे सर्व चिल्ड ही सर्व करेंगे। सो इतनी कंसिस्टेंसी जैसी आप देख रहे हैं इतनी कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये कस्टर्ड आपका थोड़ा थिक हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड कर सकते हैं। सो आइए, हमारा कस्टर्ड रेडी है, इसे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो पहले हम एक इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर उसे थोड़ी जब ये ठंडा हो जाए तब थोड़ी देर के बाद इसे हम फ्रिज में कम से कम 4 घंटे के लिए ठंडा करेंगे। फालूदा का एक की इंग्रेडिएंट्स चिया सीड और सब्जा सीड होता है। मेरे पास अभी चिया सीड अवेलेबल है तो मैंने 2 टेबलस्पून चिया सीड को 1/2 कप वाटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे आप मिक्स करके 1.5 घंटे पहले इसे सोक करके रख दें और ये लगभग 1 से 2 घंटे में अच्छी तरह से स्वेल हो जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जेली की तरह स्लाइमी हो जाएगी। ये मैंने 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसे चिल्ड बाहर निकाला है और अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है और ये मुझे बिल्कुल ही इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। सो आइए अब हम सर्व करते हैं। मैंने 2 ग्लास लिया है यहाँ पर और मैं इसे 2 तरीके से सर्व करूँगी। एक मैं फालूदा की तरह सर्व करूँगी। तो फालूदा के लिए मैंने चिया सीड जो हमने सोक करके रखा था उसे हम डालेंगे
तो मैंने 2-3 छोटे चम्मच चिया सीड के, सोख चिया सीड के डाला है पहले। अब सेकंड लेयर में मैं रूआब्जा, 1 टेबलस्पून रूआब्जा का डालूंगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब मैं अपना 3-4 बड़े चम्मच कस्टर्ड फालूदा, जो हमने कस्टर्ड सेवैयाँ बना के रखी थी, उसे डालेंगे। फालूदा में हमें सेवैयाँ और चिया सीड दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सो इस तरह से बनाने से मुझे सेवैयाँ और चिया सीड का सीड दोनों का ही टेस्ट मिलता है। इसके बाद हम मेरे पास कुछ कटे हुए फ्रूट्स हैं, उससे मैं इसे टॉपिंग करूंगी। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों सीजनल फ्रूट्स के अकॉर्डिंगली, यूजुअली मुझे इसमें अनारदाना और ग्रेप्स, मैंगो बहुत अच्छा लगता है। इसका फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ऊपर से नट्स भी डाल सकते हैं चॉप करके। दूसरे ग्लास को मैं फालूदा की तरह नहीं बट सिंपली जस्ट डिज़र्ट की तरह सर्व करूँगी। इसमें बस आपने डिफरेंट तरीके से, आप चाहें तो पहले कस्टर्ड डाल सकते हैं। मैं पहले एक लेयर फ्रूट्स का डाल रही हूँ, फिर ऊपर से हम कस्टर्ड डालेंगे और फिर फ्रूट से टॉपिंग करके इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो ये रहा आपका घर में बना हुआ बहुत ही ईजी, सिंपल और यमी स्वीट डिश। आई होप कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे, गर्मियों में इसे ज़रूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, गेस्ट्स को सर्व करें और मुझे आप अपना कमेंट शेयर करें आपको ये डिश कैसा लगा।